नहीं महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। 14 अगस्त 2022 को कबीरगंज मस्जिद इब्राहिम के पास अनिल गोटे ने बोरिंग करवाकर अपना वादा पूरा किया। याद रहे पिछले हफ्ते जनता सोसाइटी में एक बोरिंग के उद्घाटन के समय माजी आमदार अनिल गोटे ने कहा था कि मैं हर हफ्ते इतवार के दिन किसी गरीब इलाके में एक बोरिंग करवाऊंगा। आज पूरा एक हफ्ता होने के बाद कबीरगंज की बोरिंग का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद मोहल्ले की आवाम ने साल और टोपी देकर अनिल गोटे का सत्कार किया। कबीरगंज धूलिया शहर का एक ऐसा इलाका है जिसे बसे हुए करीब 30 साल हो गया है, मगर इस इलाके में महानगर पालिका ने ना आज तक रोड बनाया है और ना ही गटर और ना ही पानी की पाइपलाइन डाली गई है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माजी आमदार अनिल गोटे ने कबीरगंज की आवाम से वादा किया है कि आने वाले समय में मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करूंगा। उद्घाटन के समय माजी आमदार अनिल गोटे, जाहिद भाई किराना वाले, सहायक नगर सेवक सब्बीर मंसूरी, वार्ड नंबर 12 के सहायक नगर सेवक वसीम मंत्री, आबिद मनियार, प्रशांत बदाने, जिया अंसारी, मुन्ना हकीम, अब्दुल सलाम मिस्त्री, साहबान अंसारी के अलावा मोहल्ले की आवाम व महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद थी। ना तो पानी की पाइपलाइन है, ना लाइट है, ना रास्ते है। गलत आदमी को देने से क्या होता है, इसका एक नतीजा है। आप लोग बात को समझते नहीं और एंड टाइम पे कोई 100-500 रुपया दे देता है और उससे आप मतदान करते हो। एक बात कभी भी ख्याल में रखो, जो पैसा देगा वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। मैं तो पहले भी आमदार था, मेरे काम की शुरुआत ही यहाँ से की, बहुत सारे काम के एक जावेद बताएगा आपको। लेकिन ऐसा है कि आप लोगों ने सही नुमाइंदे को चुन के देना बहुत जरूरी है। अभी पानी नहीं है यहाँ पर, मुझे जो बताया तो मैंने तय किया कि आप बोर लगा देंगे। एक बोर उधर भी लगाया जनता सोसाइटी में और हर हफ्ते में एक बोर मैं लगाने वाला हूँ जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पर, क्योंकि पानी है तो आदमी की पहली जरूरत है। अगर पानी नहीं रहा तो जिएगा कैसे आदमी, तो ऐसा मैंने तय किया है। बाकी के जो सवाल है उसके बारे में कोई बैठ के अपन सोचे। आज धूलिया शहर की महानगर पालिका में अंधाधुंधा कारोबार चल रहा, टैक्स हर महीना 2% कर के साथ वसूल रहे, लेकिन आवाम की परेशानी का कोई हल नहीं है। धूलिया शहर में महापालिका से हर एरिया में 10 से 12 दिन 15 दिन में पानी मिलता है, सफाई नहीं होती है। इसी तरह हर एरिया से तकरार है कि हमको 15 दिन पानी नहीं आ रहा। राष्ट्रवादी भवन पर ये मस्जिद इब्राहिम के पास के कुछ नौजवान लड़के आए और अन्ना साहब बोले हमारी औरतें बहुत परेशान है पानी की वजह, हमारा कुछ करो। तो अन्ना साहब ने गरीब बस्ती में हर रविवार को बोरिंग करने का तय किया है। सबसे पहले जनता सोसाइटी में किया, अभी दूसरी बोरिंग मस्जिद इब्राहिम पास किया। सिर्फ 5 मिनटों में जो हमारे साथ पास आए थे अन्ना के पास, ये भैया तो पूछो, 5 मिनटों में अन्ना ने फाइनल कर दिया कि भाई रविवार को तुम्हारे यहाँ बोरिंग करेंगे हम। तो महापालिका का जो अंधाधुंधा कारोबार है उसको देखते हुए अन्ना साहब ने गरीब बस्तियों में हर हफ्ता बोरिंग करेंगे। अन्ना साहब ने जब नकाना तालाब सूखा हुआ था, पूरे शहर में एक बूंद पानी का पता नहीं था, वो टाइम लोगों को पानी ला के दिया, लेकिन आज शहर के सभी तालाब भर के बह रहे हैं। लेकिन ये महापालिका में ऐसे लोग को हमने बैठा दिया
कि हमको वो 10 दिन पानी नहीं देते। इसी तरह मैं अन्ना साहब का और ये एरिया के लोगों की ओर से अन्ना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अन्ना साहब ने पानी का मसला हल किया। इसका इतना बोल मजीद इब्राहिम के पास आफिस सिद्दीक नगर 100 फुटी और आफिस सरदार हॉल के सामने, बिल्कुल सामने। यहाँ के कुछ नौजवान लोग जुम्मा के दिन अन्ना साहब के यहाँ रास्ते वाली भवन पर आए और बताए कि पानी की बहुत दिक्कत होने की वजह से हम लोगों को तकलीफ होती है, पानी नहीं आता है 10-10, 12-12 दिन। आज महापालिका के लोग यूँ ही परेशान करने में लगे हुए हैं, जबकि तालाब लबालब भर कर बह रहे हैं, तभी लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। तो अन्ना साहब ने इस पानी को तकलीफ को देखते हुए इस एरिया में मेरे को बोला कि जाओ आप सर्वे कर आ जाओ जुम्मा के दिन, मुझे कहा कि आप सर्वे करके आ जाओ, इतवार के दिन बोरिंग कर देंगे। और अलहमदिल्ला आज उन्होंने यहाँ पर बोरिंग करवा दी और सब लोग यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हुए।